गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल रिचेश मेरा ब्लॉग्स। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरे ब्लॉग चैनल पे पूरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। 2 साल के बाद मेरे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। शॉर्ट चैनल पे तो बहुत पहले हो गए थे, बट ब्लॉग चैनल में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी 1K कंप्लीट करने में। अब मैं भी सबको बोल सकती हूँ कि मेरे 1K फैमिली मेम्बर्स हैं यूट्यूब चैनल पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और जब गणपति पप्पा आए हुए थे तभी मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि 950 हो चुके थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था, मीन्स मैं अपने मन में सोच रही थी कि जब तक के गणेश जी हैं तब तक के मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। एंड गाइज, आप यकीन मानो कि कल गणपति पप्पा जी का विसर्जन हुआ और मेरे 1K सब्सक्राइबर भी कल ही कंप्लीट हो चुके थे। बोलते हैं ना कि दिल से अगर भगवान से मांगो तो कुछ भी मिल ही जाता है, तो मेरे भी 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आपने मेरे शॉर्ट्स पे देखा होगा कि मैंने चांदनी चौक के राजा बप्पा जी की फोटो और वीडियोस आप लोगों के साथ पहले ही शेयर की थी। यहाँ पे दुर्ग में रहते हैं, वहाँ पे नव युवक मित्र मंडल समिति है जिसमें से मेरे हस्बैंड भी एक सदस्य हैं। तो उस समिति में हम जब भी बप्पा को लेके आते हैं, आज बहुत साल हो गया, मीन्स पहले मेरे पापा की पीढ़ी गणेश बैठाते थे वहाँ पर, एंड अभी मेरे हस्बैंड के एज वाली पीढ़ी चल रही है और इसके बाद शायद मेरे भाई लोगों की जो एज है उनकी पीढ़ी चलेगी, तो तब से गणेश जी बैठा रहे हैं। तो वहाँ पे जो हम बप्पा को लेके आते हैं, तो वो बप्पा को चांदनी चौक के राजा के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोगों को गूगल में सर्च करना होगा तो आप लोग सर्च करके देख सकते हो, चांदनी चौक के राजा गंजपाड़ा दुर्ग, जो कि गणेश उत्सव के टाइम का बहुत ही बड़ा पंडाल होता है, लाइटिंग के कारण भी फेमस है। तो आप लोग जरूर सर्च करके देखना, जो भी भिलाई रायपुर जो भी आसपास के होंगे उनको तो पता ही होगा, बट अगर आप कहीं बाहर से हो तो आप चांदनी चौक के राजा गंजपाड़ा दुर्ग के नाम से आप सर्च कर सकते हो और हमारे बप्पा के दर्शन कर सकते। तो गाइज, आप लोगों को भी मैं अपने ब्लॉग के जरिए चांदनी चौक के राजा जी का दर्शन करवाने वाली हूँ, और मेरे पास जितने भी उनके पिक्स हैं, वीडियोस हैं, उनके पूरे विसर्जन तक, चांदनी चौक के राजा जी के विसर्जन तक के जितने भी वीडियोस हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग पूरी वीडियो लास्ट तक के देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। तो आप लोग भी कीजिए हमारे चांदनी चौक के राजा जी का दर्शन। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज अच्छी लगे और बप्पा के दर्शन आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब आप लोग बप्पा के दर्शन कर लीजिए। Thank you.